अब इस गेम के अंदर मैं आराम से यहाँ पे वेट कर ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने एक एनिमी दिखता है, तो मैंने डिसीजन लिया कि उस पर रश करते हैं। तो फटाफट मैंने उसकी क्लोज पे जाके फायर करा, लेकिन उतने में ही अचानक एक और एनिमी मेरे पे कूद गया, लेकिन मैंने उसको फटाफट नॉक करा और एकदम से क्लियर करा। अब इसको क्लियर करने के बाद मैंने देखा कि मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके हैं, तो मुझे अपने लोकेशन चेंज करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्राउच होकर बैठ गया ताकि एनिमी को मेरी लोकेशन पता ना चले। और जैसे ही मैंने नोटिस करा कि जोन अभी मूव कर रहा है, तो मैंने अपने संतिनों को जोन की तरफ भेज दिया और सामने वाले एनिमी के ऊपर फेक रश करना स्टार्ट करा। और जैसे वो एनिमी ने मेरे पे फायर करा, मैंने परफेक्ट टाइम पे टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मैं ये फाइट को विन कर पाऊंगा कि नहीं, इसको जानने के लिए वीडियो पे बने रहो। सो अलाउड यू सब्सक्राइब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है प्लैंड एक्सपेरिमेंट के 34 एपिसोड, सो इसीलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते। और हाँ, एक और बात कि इस वीडियो को मैं दोपहर के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा मैनेज कर लेना। सो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 3 क्लिप से। और ये क्लिप कब शुरू होकर खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हुआ ये कि मैं वहां पे कैंपिंग कर रहा था और मुझे पीछे की साइड पर रेड डॉट आया। अब मैं चेक करने आया तो यहाँ पे एनिमी डैमेज था, तो मैंने उसको एक गोली मारा, वो नॉक हो गया। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो मुझे सामने एक और एनिमी मिला, मैंने उसको भी नॉक करा। फिर इस एयरड्रॉप के पास एक और एनिमी मिला और मैंने इसको भी नॉक करा। फिर मैंने सोचा कि क्वार्टर करने से पहले अपने टीममेट को रिवाइव दे देते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे रिवाइव करने बैठा तो मुझे पीछे की साइड से एक एनिमी ने फायर करा, मेरे पास ग्लूवल नहीं था और वो एनिमी ने मुझे इजी पीजी फिनिश कर दिया। सो बात करते हैं नंबर 2 क्लिप के बारे में। एंड जैसे अपने पिछले क्लिप पे देखा था कि एक इजी पीजी क्वार्टर किल मेरे हाथ से निकल गया था, लेकिन इस क्लिप पे आप ये देखने वाले हो कि कैसे एक इम्पॉसिबल 1v4 में इजी पीजी हैंडल कर लेता हूं। हुआ ये कि जैसे ही मैंने देखा मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके हैं, तो मैंने उस घर के अंदर संतिनो लगा के वहां से भाग गया ताकि जो एनिमी मेरे पीछा कर रहे वो लोग उसी संतिनो के पीछे अटक जाए। और फिर मैं फटाफट वहां से निकल के मेरा एक टीममेट का किल था, उसको मैंने कंफर्म करा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक एनिमी मेरे पे रश कर रहे हैं एंड उसको मैंने इजीली सरप्राइज अटैक देके बॉडी से नॉक कर दिया। और फिर अचानक उसी टाइम उसी की एक और टीममेट मेरे पे रश कर दिया, तो मैंने वहां पे फटाफट ग्लू वॉल लगा के अपना लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करा, क्योंकि 1v4 के अंदर आप अपने जितने लोकेशन चेंज करोगे एनिमी को उतनी कंफ्यूज कर पाओगे। एंड फिर वहां से मैंने लोकेशन चेंज करके यहाँ पे एक एनिमी को डैमेज दिया, फिर अपनी लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करा। अब यहाँ पे लोकेशन चेंज करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा अटक गया एंड यहाँ पे मुझे एक और एनिमी मिल गया एंड इसको मैंने तुरंत फिनिश करा। और फिर इसके बाद 1v1 का सिचुएशन था और ये एनिमी को मेरे लोकेशन पता नहीं था, तो इसको मैंने इजी पीजी फिनिश कर दिया। एंड अब हम बात करते हैं नंबर 1 क्लिप के बारे में। बेसिकली ये क्लिप नहीं है, पूरी की पूरी मैच है। और ये मैच इस सीजन का अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग मैच है। लिटरली अगर मैं इस गेम के सारे नॉक एनिमी को फिनिश कर देता तो 16 से 17 किल हो सकता था। तो हुआ यह कि फर्स्ट राउंड बना था मेल के अंदर एंड मेल को अपडेट के बाद थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन अभी भी ये ग्रेनेड ट्रिक वर्क कर रहा है। मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहां से बस ग्रेनेड कुक करके सामने फेंक देना, इजीली 1 से 2 नॉक आराम से निकल आएगा। अब इन दोनों एनिमी को नॉक करने के बाद मैंने फटाफट वहां पर रश करना स्टार्ट करा एंड मैंने देखा कि हमारी आसपास एक और एनिमी वोकंग बन के आ रहा है। अब कहीं वो एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव ना दे दे, तो मैंने फटाफट उनको क्लियर करा एंड जैसे ही मैंने फायर करना स्टार्ट करा तो तुक्का एक हेड लग गया और इस फर्स्ट राउंड में मेरा ट्रिपल किल हो गया। अब ये तो बस एक ट्रिपल किल है, लेकिन इसके बाद इसी गेम के अंदर मेरा और 2 क्वार्टर किल हुआ था। अब मेल वाला राउंड खत्म होने के बाद शुरू हुआ क्लॉक टावर वाला राउंड, और इस राउंड में ना लिटरली सामने वाला एनिमी अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन राउंड स्टार्ट होते ही मैं एयरड्रॉप के पास आ गया था, तो मैंने फटाफट संतिनो की एबिलिटी लगा के सेफली एयरड्रॉप को लूट कर लिया। वैसे संतिनो से याद आया कि अगर इस वीडियो पे हमेशा की तरह 150 कमेंट हो जाते हैं देन इसी मंडे शाम को मैं संतिनो की वीडियो अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको तो रूल पता ही होगा कि कमेंट सेक्शन पे स्पैम मत करना। लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ ये कि उस एयरड्रॉप के पास वेट करते हुए काफी टाइम हो गया था, तो मैं इस घर के नीचे आ गया, लेकिन अभी तक ये सामने वाले एनिमी घर से निकले ही नहीं और ऊपर से उसी घर में कैंपिंग करते हुए हमारे 2 टीममेट को फिनिश भी कर चुके थे। और फिर एंड में जैसे जोन मूव करा स्टार्ट कर रहा, तो मैंने अपने लोकेशन को चेंज करा और एक एनिमी को नॉक करा, लेकिन उतने में मेरे ऊपर बाकी के सारे एनिमी टूट पड़ते हैं और फिर मुझे नॉक कर देते हैं। और फिर मैं फिनिश होने के बाद मेरा टीममेट विन कराने की काफी कोशिश करा, लेकिन वो सारे के सारे एनिमी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और फिर सेकंड राउंड उन्हीं एनिमी का विक्ट्री हो जाता है। और फिर शुरू हुआ 3rd राउंड एंड ये वही राउंड था जिसको मैंने हाईलाइट पे दिखाया था। तो हुआ ये कि राउंड स्टार्ट होते हुए मैंने हमेशा की तरह सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करा, मतलब संतिनो को सामने वाले कवर पे छोड़ दिया एंड यहाँ पे आके ग्रेनेड को करना स्टार्ट करा। एंड जैसे ही मैंने ग्रेनेड को थ्रो करा, फटाफट यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया एंड उधर से एक एनिमी नॉक हो गया, जिसे हुआ ये कि उन एनिमी को लग रहा होगा कि मैं उसी साइड से उन पे रश करूंगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा रोटेशन लेके इस साइड से भी उनके ऊपर रश करूंगा। और फिर इसके बाद मैं आराम से जाके मेरा किल को कंफर्म करा और उतने में मुझे यहाँ पे एक और एनिमी मिला। तो जैसे मैंने उस पर फायर करा था उसके टीममेट को दिया, लेकिन मैंने उसके टीममेट को हेडशॉट से नॉक करा और फटाफट फिनिश करा। अब इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके हैं, तो मैंने अपने लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करा। और फिर यहाँ पे मैंने एकदम लास्ट जोन तक वेट करा एंड जैसे जोन मूव करा तो मैंने सामने अपनी संतिनो को छोड़ दिया और यहाँ पे जो सामने एनिमी था उसके ऊपर फेक रश करा। और जैसे वो एनिमी ने मेरे पे फायर करना स्टार्ट करा, मैंने परफेक्ट टाइम पे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ गया एंड अभी उस एनिमी को लग रहा है कि मैं उस पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आके उसको और
और थोड़ा डैमेज दे दिया ताकि वो हील करने में बिजी हो जाए, और फिर मैंने अपनी लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करा। लेकिन उसने भी मुझे यहाँ पे एक और एनमी मिला, लेकिन मैंने उसको हेडशॉट से नॉक करा, फिर फटाफट कवर पकड़ लिया ताकि उसके टीममेट मेरे को डैमेज ना दे पाए, और फिर जोन भी मूव करना स्टार्ट कर दिया था। वो एनिमी जोन से डैमेज होकर बाहर निकला तो मैंने उसको आराम से डैमेज देकर फिनिश कर दिया। अब मार्स इलेक्ट्रिक पे क्वार्टर करने के बाद शिपयार्ड पे फोर्थ राउंड शुरू हुआ। अब इस राउंड शुरू होते हुए मैंने हमेशा की तरह अपनी परमानेंट कवर पकड़ लिया, और उतने में ही मुझे ये रेड टावर के पीछे एक एनिमी मिला, उसके ऊपर मैंने ग्रेनेड करा, लेकिन थोड़ा सा ग्रेनेड इधर उधर हो गया तो वो नॉक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे काफी टाइम तक वेट करा, लेकिन ठीक उसके कुछ ही टाइम के बाद प्लेयर वाई के ऊपर तीन एनिमी ने रश करके उनको नॉक कर दिया, लेकिन मैंने परफेक्ट टाइम पे वहां पे रश करके एक एनिमी को नॉक करा, और फिर सेंटिनो की एबिलिटी लगा के अपना लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करा। एंड जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने देखा कि मेरा नॉक हुआ वाला एनिमी रिवाइव हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे सामने बहुत सारे एनिमी है, तो मैंने फटाफट रश करके एक एनिमी को नॉक करा और फिर सेंटिनो की एबिलिटी से टेलीपोर्ट हो गया। अब उधर फाइट करते हुए मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, तो मैं ये कवर को पकड़ के हील करा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके हैं और एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा है, तो मैंने फटाफट उसको नॉक करा एंड नॉक करते उसको फिनिश करा। फिर उसके बाद एक और एनिमी मेरे पे रश करा एंड उसको भी मैंने नॉक करा। अब इन दोनों एनिमी को नॉक करने के टाइम पर बाकी दो एनिमी मेरे पे रश करना स्टार्ट कर चुके थे। अब मैंने काफी ज्यादा कोशिश करा कि ये फाइट को हैंडल करूं, लेकिन वो दोनों एनिमी ने मिलकर मेरे पे फायर करा और फिर ये राउंड को हम विन करते करते हार गए। और फिर ये राउंड को हारने के बाद फिफ्थ राउंड शुरू हुआ कतुल इस्तीफा पे, लेकिन इस राउंड में प्रॉब्लम ये हुआ कि थंडर भाई अकेले रश करके पहले फिनिश हो गए और पार्टनर भाई ऑफलाइन की वजह से जोन पे एलिमिनेट हो गए। और फिर उतने में ही मैंने नोटिस करा कि प्लेयर भाई अपने ग्रेनेड से एक एनिमी को नॉक कर चुके थे, तो मैंने फटाफट उसी पोजीशन पे फ्लैश फ्रीज मारा एंड उसको जो रिवाइव दे रहा था वो भी नॉक हो गया। और उसके बाद मैंने इन दोनों को तुरंत फिनिश करा, और फिर उसके बाद मैंने नोटिस करा कि अभी मुझे 1v2 फेस करना है, क्योंकि अभी फिर से मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके हैं। तो इसके वजह से मैंने फिर से अपने लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करा, एक जगह पे सेंटिनो छोड़ा ताकि प्लेयर थोड़े कंफ्यूज हो जाए, और मैं अपनी पोजीशन को फिर से चेंज कर दिया। अब मैं आराम से ये एलसेप के डोर पे वेट कर ही रहा होता हूं कि मुझे सामने वाले वुडन घर के अंदर एक एनिमी मिलता है, तो मैंने फटाफट उसको बॉडी डैमेज देता हूं और वो नॉक हो जाता है, और फिर उसके बाद कहीं वो रिवाइव ना हो जाए तो मैं उसको तुरंत फिनिश करता हूं। और ये आखिरी वाले एनिमी के साथ फाइट करते टाइम पर गलती कर देता हूं, मतलब मैं ओपन पे रश करता हूं फिर पता नहीं क्यों पीछे आ जाता हूं, और इसका एडवांटेज लेते हुए वो मेरे को नॉक करता है और ऊपर से इमोट भी दिखा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा 2 स्कोर है और एनिमी का 3 स्कोर है, मतलब हमें अभी कैसे भी करके ये राउंड को विन करवाना ही पड़ेगा। सो जैसे ये डैम राउंड स्टार्ट हुआ मैं फटाफट ये वुडन बॉक्स के पीछे आ गया एंड सामने हमें एक एनिमी दिखा, तो मैंने फटाफट ग्रेनेड कुक करके वहां पे फेंक दिया और वो एनिमी मेरे ग्रेनेड से इजीली नॉक हो गया। एंड जैसे ही मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एनिमी का 3 स्कोर हो चुका था, तो कहीं वो एनिमी फिर से रिवाइव हो जाए इसके वजह से मैं फटाफट उसको फिनिश कर देता हूं। अब उस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं अपने लोकेशन को चेंज करना स्टार्ट कर देता हूं और मैं कंटेनर के पीछे आता हूं, एंड यहां पे मुझे सामने एक और एनिमी मिलता है, तो मैं उसके ऊपर भी रश करता हूं एंड उसको हेडशॉट से नॉक कर लेता हूं। और इसके बाद एक फन मोमेंट होता है, मतलब मैं यहां पे इस एनिमी को फिनिश करके अपने हील विल को कंप्लीट कर ही रहा होता हूं कि एक एनिमी ओपनली मेरे पे रश करता है, शायद उसको पता नहीं था कि मैं यहां पे हूं, सो इसके चक्कर में वो इजीली फिनिश हो गया। अब इसको फिनिश करने के बाद जैसे मैं पीछे मुड़ता हूं तो मैं देखता हूं मेरी टीम से 2 एनिमी नॉक होकर पड़े और प्लेयर भाई उनको रिवाइव देने जा रहे, लेकिन उतने में ही मैं देखता हूं कि जो एनिमी मुझे पिछले राउंड पे इमोट दिखाया था वही एनिमी अंधों की तरह सामने भाग रहे और वो मुझे स्पॉट ही नहीं करा, और इसके वजह से मैं उसको आराम से फिनिश करा और फिर एक फन इमोट दिखा दिया। और फिर इसके बाद शुरू हुआ लास्ट राउंड, मतलब 7th राउंड, जो ये मैच को विन करेगा भैया उसका होगा। लेकिन इस राउंड की स्टार्टिंग पे ही मैं गड़बड़ कर देता हूं, मतलब मुझे सामने कुछ एनिमी दिखते हैं तो मैं फटाफट ग्रेनेड कुक करके वहां पे फेंक देता हूं, जिनमें से कुछ एनिमी डैमेज होते हैं और रश करने के चक्कर पे एक एनिमी डबल वेक्टर से मुझे फिनिश कर देता है। लेकिन शायद इस मैच का भैया हमारे नसीब में था, तो इसीलिए मेरे जितने भी सारे टीममेट थे वो एनिमी के साथ इजीली फाइट करके ये मैच को विन करवा लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वैसे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो देन कमबैक ओपी कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप यहां तक वीडियो देख रखा है। और बाकी बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।